नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ हिंदुस्तान की बेटी शालिनी कपूर तिवारी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। पीएम से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम तक और सत्ता प्रतिष्ठान से लेकर के आध्यात्मिक जगत की हस्तियों तक की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। सीएम योगी और अखिलेश यादव समेत तमाम हस्तियों का महंत के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए प्रयागराज जाना ये बताता है कि अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष होने के क्या मायने हैं। मैं हिंदुस्तान की बेटी आज आपको बताऊंगी कि कितने ताकतवर हैं हमारे देश के तमाम अखाड़े, सियासी गलियारे से इनका क्या संबंध है, क्यों बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों को अखाड़ों के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़े अनसुलझे सवालों को भी सुलझाने की कोशिश करूंगी और आपको बताऊंगी कि महंत की आत्महत्या की थ्योरी में क्या क्या पेच है, क्यों उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते। मैं हिंदुस्तान की बेटी इस रिपोर्ट के जरिए आपके मन में उठने वाले उन सवालों का जवाब दूंगी जो महंत की मौत की खबर के बाद से ही आपको कुरेद रहे हैं। क्या आपको लगता है वो आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टीवी देख कर आए। मैं आनंद गिरी कुछ गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ यहाँ से। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। जब धक्का दिया गया, छिटकिनी निकल गई उसकी, फिर महाराज जी को देखा गया कि वो पंखे में रस्सी के सहारे लटकते हुए अवस्था में मिले। महंत की मौत से हिल गया उत्तर प्रदेश। जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। सिटिंग जज हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए जिससे की पूरी सच्चाई सामने आए। संन्यास परंपरा को, गुरु परंपरा को शर्मसार कर दिया, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आत्महत्या या हत्या का रहस्य गहराया। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। निष्पक्ष जांच के लिए जो भी जरूरत होगी वो करेंगे। क्या आपको लगता है वो आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, 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 कभी नहीं। अखाड़ों का महामंडलेश्वर पुराण। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत ने पूरे देश के सियासी हलके से लेकर आध्यात्मिक जगत तक को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के परिजनों से लेकर उनके खास शिष्यों तक का यही कहना है वो आत्महत्या जैसा कायराना कदम नहीं उठा सकते। महंत के रिश्तेदार और उनके शिष्य कह रहे हैं कि किसी बड़ी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। महंत की मौत का मामला कितना हाई प्रोफाइल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उनका अंतिम दर्शन करने प्रयागराज पहुंचे और मामले की जांच से जुड़ा हर अपडेट खुद ले रहे हैं। एक दुखद घटना है, एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। योगी आदित्यनाथ अगर खुद ये बात कह रहे हैं कि एक एक घटना का पर्दाफाश होगा तो इसका मतलब साफ है कि महंत की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। सबसे बड़ा राज तो है उनका सुसाइड नोट। सवाल यह है कि महंत नरेंद्र गिरी मुश्किल से दस्तखत कर पाते थे, फिर उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट कैसे लिखा?
महंत को कुछ लिखना होता था तो अपने सेवादारों से लिखवाते थे, लिखवाने के बाद उसे पढ़वा कर सुनते थे, उसके बाद दस्तखत करते थे। महंत के सेवादार बबलू और सुमित की भूमिका पुलिस को संदिग्ध मिली है। सवाल बड़ा है, महंत के शव के पास जो सुसाइड नोट मिला है, क्या वो महंत का लिखा हुआ नहीं है? क्या सेवादारों ने लिखा कुछ और पढ़ के सुनाया कुछ और उसके बाद उस पर महंत का धोखे से हस्ताक्षर करवा लिया? ये सवाल शासन को भी परेशान कर रहा है, इसलिए सीएम योगी इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि जांच में कोई कोताही नहीं की जाएगी। मौत की गहन जांच के लिए यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से एसआईटी का गठन कर दिया है। जो है कि एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। दरअसल नरेंद्र गिरी का कद इतना बड़ा था कि बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता तक उनके आगे नतमस्तक रहते थे। सभी पार्टियों में नरेंद्र गिरी का रसूख इतना ज्यादा था कि साल 2004 में महंत से पंगा लेना प्रयागराज के तत्कालीन डीआईजी आरएन सिंह को महंगा पड़ गया था। साल 2004 में जमीन के एक मामले को लेकर प्रयागराज के तत्कालीन डीआईजी आरएन सिंह और महंत के एक करीबी के बीच कुछ अनबन हो गई। नरेंद्र गिरी के दखल की वजह से डीआईजी आरएन सिंह खुद को बेबस पाने लगे और कोई चारा चलता न देख हनुमान मंदिर के पास महावीर मार्ग पर नरेंद्र गिरी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। तब नरेंद्र गिरी ने तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह को सीधे फोन कर दिया और मुलायम सिंह ने डीआईजी आरएन सिंह को सस्पेंड कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखाड़ा परिषद की ताकत कितनी है, और समाजवादी हो या फिर राष्ट्रवादी, कोई भी अखाड़ों से पंगा लेने की जहमत नहीं उठा सकता। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महंत के अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचे और उनकी मौत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार किसकी है? लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर मानसिक रूप से परेशानी थी, तो आखिर क्या कारण था? कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महंत की मौत के पीछे कोई बहुत गहरा राज है। महंत को जानने वाले और उनके रिश्तेदार ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके जैसा व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठाएगा। क्या आपको लगता है वो आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो है सोची साजी समझी के तहत जो है कुछ लोग जो है मठ के उसमें इन्वॉल्व हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से और हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मीडिया के माध्यम से बात संदेश पहुँचा जाए, सीबीआई जांच हो और जो सच्चाई हो सबके सामने आए, इससे भक्तजनों को जो है आत्मा को शांति मिले। जो भी इनको निर्णय होता सब साफ साफ बोल देते थे, जो भी कहना रहता था उनको, वो सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं। इसमें कोई साजिश है या किसी ने साजिश रच के उनकी हत्या की है? सीआईडी जांच हो तभी दूध का दूध पानी पानी होगा। दरअसल जिस अखाड़ा परिषद के नरेंद्र गिरी अध्यक्ष थे, उसके पास अरबों की चल अचल संपत्ति है। संपत्ति के लोभ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी गेरुआ पहनकर मठों में दाखिल हो जाते हैं जिनका आध्यात्मिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र गिरी अपने जिस चेले आनंद गिरी को अपनी आत्महत्या के लिए कसूरवार ठहरा गए हैं, वो आनंद भी मौत के पीछे संपत्ति की मोहमाया का संकेत दे रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। साफ है कि मामला उतना हल्का नहीं है जितना कि दिख रहा है। अखाड़ों के पास अरबों खरबों की संपत्ति है और उन पर सियासी हलकों से लेकर भू माफियाओं तक की नजर रहती है। महंत की मौत में प्रयागराज के समाजवादी पार्टी के एक नेता का भी नाम उछल रहा है, यानी ये गेरुआ के साथ गुंडों और सियासतदानों तक के गठजोड़ का मामला हो सकता है। यही वजह है कि जिसको मौका मिल रहा है वो इस मौत पर सियासत से बाज नहीं आ रहा। पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या के बाद सवालों से घिरी रही शिवसेना को अब पलटवार करने का मौका मिल गया है। जब महाराष्ट्र के पालघर डहाणू में दो साधुओं की हत्या हुई लोगों ने, भीड़ ने की, तब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सवाल पूछा गया
नरेंद्र गिरी जी की दर्दनाक रहस्य मौत के बाद भी यही सवाल महाराष्ट्र पूछेगा, पूरा उत्तर प्रदेश पूछेगा। महंत की हत्या की सीबीआई जांच की भी मांग उठ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मौत के रहस्य से जब पर्दा उठेगा तो इसमें कई नामचीन हस्तियों के चेहरे से नकाब उतरेगा और अध्यात्म के साथ धन संपत्ति के घालमेल का खुलासा भी होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जांच में कोई कोताही करने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरी पद प्रतिष्ठा और हजारों संतों का मुझ पर विश्वास अगर टूट जाएगा, अगर मान सम्मान नष्ट हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जो कुछ लिखा है वो मठ मंदिरों और अखाड़ों के माया जाल का सच उजागर करता है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आज आपको बताऊंगी कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे का सच क्या है, वो विचलित क्यों थे, कौन उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहा था, क्या शिष्यों ने ही गुरु को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा या फिर शिष्यों को मौरा बना करके किसी तीसरे ने यह साजिश रची है। मैं हिंदुस्तान की बेटी अपने संत की मौत से आहत हूं और यह जानना चाहती हूं कि आखिर सच है क्या। पूरे मामले में शक के घेरे में शिष्य आनंद गिरी है जिसने उनके खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। महंत को शक था कि आनंद उन्हें एक लड़की की तस्वीर के जरिए बदनाम करने की साजिश रच रहा है, क्या सच था या फिर कोई और उन्हें भ्रमित कर रहा था। क्या मौत की साजिश के पीछे मठ मंदिरों का माया जाल है या फिर उत्तराधिकारी का विवाद है। गंगा यमुना प्रकट बहुत मिली अन्य दो बहनी। गुरु चेला विवाद, साजिश और सैकड़ों सवाल। मठ मंदिर संपत्ति और उत्तराधिकारी विवाद। क्या आनंद गिरी ने रखी षड्यंत्र की बुनियाद। महंत नरेंद्र गिरी की मौत तमाम रहस्यों के जाल में उलझी है। हर घंटे नए नए खुलासे हो रहे हैं। साधु संत और भक्त ये मानने को तैयार नहीं कि वो खुदकुशी कर सकते हैं। लोगों का सवाल है कि जो संत आत्मा परमात्मा की बात करता है क्या वो अपनी जान ले सकता है। मौत से जुड़े ऐसे ढेरों सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश जारी है। शक और साजिश के घेरे में है शिष्य आनंद गिरी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइन में आनंद गिरी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी क्राइम ब्रांच की टीम अंदर लगातार पूछताछ कर रही है और तमाम पहलुओं पर आनंद गिरी के जवाब ले रही है। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। महंत के पैर पकड़कर माफी मांगते यही हैं आनंद गिरी जो कभी नरेंद्र गिरी के सबसे करीबी शिष्यों में से एक थे। लेकिन मई में गुरु शिष्य का विवाद चर्चा में आया और मठ की गरिमा दागदार हो गई। आनंद गिरी ने गुरु पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि हर कोई हैरान रह गया। हालांकि महंत की मौत पर आनंद गिरी ने बड़ी साजिश का आरोप लगाया, लेकिन सवाल यही कि साजिश रची किसने है, खुद आनंद गिरी ने या फिर किसी और ने। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जाँच होनी चाहिए। आनंद गिरी के बारे में कहा जाता है कि विवादों से उनका पुराना नाता है। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी लाइफस्टाइल संतों वाली बिल्कुल नहीं है। तमाम साधु संत भी उनके क्रियाकलापों पर सवाल उठा चुके हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं गुरु शिष्य में विवाद क्या था।
बागम भरी मठ की 300 साल पुरानी वसीयत को लेकर विवाद था, जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। आनंद ने नरेंद्र गिरी पर मठ की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया। जमीन बेचने का विरोध करने पर अखाड़े के सचिव की हत्या का आरोप लगाया। नरेंद्र गिरी पर गनर अजय सिंह के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया। ड्राइवर विपिन को बड़ा मकान बनाकर देने का आरोप लगाया था। आरोप है कि आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी को कई महीने से ब्लैकमेल कर रहे थे। सुसाइड नोट में आनंद गिरी के साथ हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी जिक्र है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और सुसाइड नोट में लिखी तमाम बातों को लेकर पूछताछ कर रही है। सर, आनंद गिरी को यहाँ पे लाया जा चुका है और अब तक की पूछताछ क्या कह रही है? अभी पूछताछ चल रही है, टीम पूछताछ कर रही है। जल्दी जैसे जो भी फैक्ट्स आएंगे आपको अवगत कराएंगे। किस समय उसको लाया गया है? आगे 1 घंटा पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या क्या आरोप है? क्या सिर्फ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का लग रहा है या मर्डर के एंगल से भी जांच? अभी 306 का है, लेकिन अभी सभी एंगल्स खुले हुए हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद ही इसमें बताया जा सकेगा कि ये होमिसाइडल है या सुसाइडल है। पोस्टमार्टम कब कर रहे हैं सर? कल पोस्टमार्टम सुबह होगा। क्या इसमें कोई SIT टीम भी बनाई गई है? हाँ, इसमें SIT फॉर्मेशन की जा रही है और इसमें जो हमारे एक्सपर्ट IOs हैं उनको लगाया जा रहा है। जी मीडिया के पास नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट मौजूद है। इसमें एक लड़की की तस्वीर का भी जिक्र है। आरोप है कि महंत की एक लड़की के साथ तस्वीर मॉफ्ट की गई और इसके जरिए उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। एक वीडियो के जरिए भी ब्लैकमेल किए जाने की बात सामने आ रही है। सुसाइड नोट में लिखा है कि आनंद गिरी की वजह से मन विचलित है, मेरी बहुत बदनामी हुई, मैंने 13 सितंबर को भी सुसाइड की कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। जब तक जिया सम्मान से जिया, सभी को सम्मान दिया, अपमान में जीना नहीं चाहता, डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ, इससे अच्छा है कि दुनिया से चला जाऊँ। कहते हैं पद प्रतिष्ठा वैभव और सम्मान इंसान के अंदर अहंकार भर देता है। सवाल यह है, क्या गुरु को बदनाम करके आनंद गिरी बागमभरी गद्दी हथियाना चाहता था? क्या वो अरबों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे? क्या उन्होंने महंत को सुसाइड के लिए मजबूर किया? महंत ने साफ लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी हैं। महंत को श्रद्धांजलि देने प्रयागराज पहुंचे CM योगी ने साफ कहा कि दोषियों को पक्षा नहीं जाएगा। एक दुखद घटना है, एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। सुसाइड नोट में मठ मंदिर और गद्दी के उत्तराधिकारी से जुड़ी तमाम बातें लिखी हैं। अखाड़े की जमीन बेचने के साथ विवाद हनुमान मंदिर के दान चढ़ावे के पैसों के बंदरबाट को लेकर भी था। रायबरेली में निरंजनी अखाड़े की करोड़ों की जमीन बेची गई थी। दो महंत ने इसका विरोध किया था तो उनकी भी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। नरेंद्र गिरी की मौत मठ मंदिर और अखाड़ों के माया पुराण का सच बेपर्दा करेगी। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश में जुटी है। उम्मीद है कि साजिश के हर चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रवाद, स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। दरअसल सवाल यह है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर के इतना ज्यादा तूफान क्यों मचा हुआ है? दरअसल करीब 1200 साल पहले शुरू हुई अखाड़ों की परंपरा आज सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। यह अखाड़े सनातन संस्कृति की शक्ति रहे हैं और हिंदुओं पर इनके महंतों का बहुत जबरदस्त असर माना जाता है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आज आपको बताऊंगी कि कैसे शुरू हुए अखाड़े, क्यों शुरू हुए अखाड़े और क्या है इनका महत्व। दरअसल कुंभ मेले में इन अखाड़ों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अखाड़ों के साधु संतों के स्नान के बाद ही आम लोगों को आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिलता है। मैं हिंदुस्तान की बेटी इस रिपोर्ट के जरिए आपको अखाड़ों और इतिहास, इसका वर्तमान जो रहा है वो इतिहास, दोनों बताऊंगी। हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जो है CBI जांच का आदेश देंगे और इसमें जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये घटना सुनकर के मन स्वीकार नहीं कर रहा कि वो आत्महत्या कर सकते, क्योंकि पहुंचे हुए संत थे, आध्यात्मिक संत थे।
ये सोचनीय विषय है कि साधु संतों पर, कथाकारों पर या धर्माचार्यों पर किस तरीके से सांसारिक व्यवहार हो रहा है। महंत की मौत से देश भर के अखाड़ों में खलबली। जो नरेंद्र गिरी जी के जो मौत हुआ, इस घटना को सीबीआई जांच हो। यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अखाड़ों के साधु संतों ने कसी कमर। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद देश भर के अखाड़ों में बवंडर खड़ा हो चुका है। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन अखाड़ों की स्थापना सनातन धर्म की रक्षा के मकसद से किया था, वही अखाड़े महंत की मौत के बाद खुद संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ये संदेह तो है ही है, संदेह का निवारण है वो जांच है, जांच हो जाए तो पता। जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ये समझ से परे है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। बहुत बड़ा दुखद समाचार है, तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ माने जाने वाले कुंभ मेले इन अखाड़ों की पेशवाई के बिना संपन्न नहीं हो सकते हैं। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत हर महत्वपूर्ण स्नान के दिन सबसे पहले डुबकी लगाते हैं, उसके बाद ही आम श्रद्धालुओं की बारी आती है। कुंभ में अखाड़ों के साधु संतों की पवित्र डुबकी की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जो अखाड़े आज खुद संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उसकी बुनियाद ही सनातन धर्म को शत्रुओं के हमले से बचाने के लिए की गई थी। आज गुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले देश के चार कोनों पर चार मठों की स्थापना की, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इन चार पीठों की स्थापना करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य को ये महसूस हुआ कि सिर्फ आध्यात्म के सहारे सनातन धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। उन्हें लगा कि सनातन की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जरूरत है, तो उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की। इन अखाड़ों में नवयुवकों को शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी जाती थी। इन अखाड़ों में व्यायाम वगैरह की परंपरा डाली गई ताकि कद काठी से मजबूत सनातनी बाहरी आक्रमणकारियों से अपने धर्म और देश की रक्षा कर सकें। इतिहास में ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब अखाड़ों के साधु संतों ने अपने धर्म स्थलों की रक्षा के लिए भीषण संग्राम किया और दुश्मनों को छठी का दूध याद दिला दिया। आज सनातन संस्कृति का वजूद अगर सुरक्षित है तो इसमें इन अखाड़ों के साधु संतों की बहुत अहम भूमिका रही है। देश के ये 14 अखाड़े 3 मतों में विभाजित हैं। ऐसा माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की तर्ज पर 4 अखाड़ों की भी नींव डाली थी, लेकिन आपसी मतभेद के कारण इन अखाड़ों की तादाद बढ़ती गई और आज देश में कुल 14 अखाड़ों को मान्यता मिली हुई है। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े, शिव और उनके अवतारों में श्रद्धा रखने वाले शैव कहलाते हैं। शैव संप्रदाय के देश भर में कुल 7 अखाड़े हैं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा वाराणसी यूपी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रयागराज यूपी, श्री पंच अटल अखाड़ा वाराणसी यूपी, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा वाराणसी यूपी, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती नासिक महाराष्ट्र, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी प्रयागराज यूपी, श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा जूनागढ़ गुजरात। बैरागी संप्रदाय के 3 अखाड़े, बैरागी संप्रदाय के साधु संत भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। इस संप्रदाय के कुल 3 अखाड़े हैं, श्री दिगंबर अनि अखाड़ा साबरकांठा गुजरात, श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा अयोध्या यूपी, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा मथुरा यूपी। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े, उदासीन संप्रदाय सिख साधुओं का संप्रदाय है और इनके भी कुल 3 अखाड़े हैं। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा प्रयागराज यूपी, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन हरिद्वार उत्तराखंड,
श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार उत्तराखंड। इन्हीं 13 अखाड़ों की पेशवाई अब तक कुंभ में होती थी, लेकिन अब किन्नर अखाड़ा भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, जिसे लेकर अखाड़ों की कुल तादाद 14 हो गई है। अखाड़ा परिषद की ओर से इस अखाड़े को बाकायदा मान्यता भी मिल चुकी है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिन अखाड़ों की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए की थी, आज वही अखाड़े आपसी विवाद और संपत्ति और जमीन के लोभ में अपनी ताकत खोते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर जो इस बीच मिल रही है वो आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम कल होना है। बड़ी खबर इस वक्त की सुबह 8 बजे नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम होगा। इसके बाद खबर ये मिल रही है कि दोपहर 12 बजे बागंबरी मठ में भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कल पोस्टमार्टम होना है, 8 बजे सुबह पोस्टमार्टम होगा महंत नरेंद्र गिरी का। बताया ये जा रहा है कि 3 सीनियर डॉक्टर्स भी टीम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोपहर में उन्हें भू समाधि दे दी जाएगी। दरअसल मठ और अखाड़े देश में सनातन धर्म के ध्वजावाहक हैं। संत समाज का सबसे बड़ा पद जगत गुरु शंकराचार्य का होता है। अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर का पद सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे साधु संत अलग अलग पद पर होते हैं। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी मौत के बाद अखाड़ा परिषद अब नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करेगी। मैं हिंदुस्तान की बेटी आज आपको बताऊंगी कि संत समाज के बीच पूरा प्रशासन आखिर चलता किस ढंग से है, मठों और अखाड़ों में महामंडलेश्वर और सचिव का चयन कैसे होता है, इनकी योग्यता क्या होती है। पिछले दिनों अखाड़ों में महामंडलेश्वर का चुनाव विवादों में आखिर क्यों रहा है, रिपोर्ट देखिए। मठ मंदिर अखाड़ा और संतों का रहस्य लूट, कैसे बनते हैं महामंडलेश्वर, कब हुआ विवाद, राधे माँ और बिल्डर बाबा पर क्यों उठे सवाल। कहते हैं परमार्थ के लिए इंसान साधु का वेश धारण करता है, संत मोह माया से दूर होता है, परमात्मा की पूजा और जन कल्याण ही संतों का उद्देश्य होता है। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे तमाम रहस्यों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये है कि संत महात्माओं के पास इतनी संपत्ति कैसे है, मठों और अखाड़ों के पास करोड़ों रुपए कहां से आते हैं। महंत की मौत से पूरा संत समाज स्तब्ध है और शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी नरेंद्र गिरी की मौत पर दुख व्यक्त किया है। क्रोध में भी हो सकता है, बहुत से लोग ऐसा होता है कि जिससे क्रोध जिसके प्रति द्वेष होता है उसको हानि पहुंचाने के लिए ऐसा करते लोग कर देते हैं। नरेंद्र गिरी के निधन के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद नए अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। आइए आपको बताते हैं कि अध्यक्ष चुनाव कैसे होता है। दरअसल शैव वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। कुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के अवसर पर साधु संतों के टकराव को रोकने के लिए अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई थी। सभी अखाड़ों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए अध्यक्ष और सचिव करते हैं। अखाड़ा परिषद की सभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव होता है। आइए अब मठ मंदिरों में महंत और अखाड़ों के महामंडलेश्वर के चुनाव की प्रक्रिया समझते हैं। संत समाज में जगत गुरु शंकराचार्य का पद सबसे बड़ा है, इससे ऊपर कोई उपाधि नहीं। अखाड़ों में साधु संतों का अनुशासन चलता है। अखाड़ों में सबसे बड़ा पद आचार्य महामंडलेश्वर का होता है। अखाड़ों के लिए आचार्य ही शंकराचार्य के समान है। सन्यासियों को आचार्य ही दीक्षा देते हैं। कुंभ के मौके पर नए साधुओं को दीक्षा दी जाती है। साधु बनने का भी पूरा विधान होता है। अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर व्यक्तियों को महापात्र मनाते हैं। महापात्रों को दीक्षित कर नागा सन्यासी बनाया जाता है। नागाओं के रूप में लंबे तप के बाद उन्हें अखाड़े के साधु का दर्जा मिलता है। योग्यता के अनुसार साधुओं में से कोठारी, कारोबारी, थानापति आदि बनाए जाते हैं। इन पदों पर आने के बाद महंत और कुछ साधना के बाद श्री महंतों का दर्जा मिलता है। श्री महंत अखाड़ों के सभापति और सचिव बनते हैं। श्री महंतों से ऊपर का दर्जा है महामंडलेश्वर और उससे ऊपर होता है आचार्य महामंडलेश्वर का पद।
आचार्यों का पूरा साम्राज्य अखाड़ों में चलता है। अखाड़ों के मंदिरों, आश्रमों, छावनियों, मठों, देवस्थलों का निर्माण आचार्यों की देखरेख में होता है। इनके लिए करोड़ों का बजट आचार्य महामंडलेश्वर ही जुटाता है। पिछले दिनों अखाड़ों के महामंडलेश्वर से जुड़े कई विवाद सामने आ चुके हैं। पहला विवाद राधेमाथ को लेकर था, जिन्हें जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर नियुक्त किया था। विवादों में रही राधेमाथ का नाम दहेज प्रताड़ना केस में आया तो उन्हें हटा दिया गया। दूसरा मामला सचिन दत्ता का था। वो गाजियाबाद में वियर बार और जमीन खरीद फरोख्त का कारोबार करते थे। बिल्डर बाबा के नाम से मशहूर सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन विवाद के बाद इस फैसले को रद्द कर दिया गया। अब समझिए कि अखाड़ों में महामंडलेश्वर कैसे बनाए जाते हैं। महामंडलेश्वर के लिए जरूरी योग्यता है कि संत में वैराग्य होना चाहिए, संन्यास होना चाहिए, घर परिवार से संबंध नहीं होना चाहिए, संस्कृत वेद पुराण का ज्ञान जरूरी है, कथा कहे, प्रवचन दे। व्यक्ति जीवन के किसी भी चरण में महामंडलेश्वर बन सकता है। महामंडलेश्वर के चुनाव से पहले अखाड़ों में उनकी परीक्षा ली जाती है। महामंडलेश्वर का काम देश के कोने कोने में सनातन धर्म का प्रचार करना और अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। महामंडलेश्वर बनने के फायदे ये होते हैं कि वो शिष्य बना सकते हैं, लोगों में जुड़ाव, समाज में उठना बैठना, घूमना फिरना होता है। कुंभ में शाही स्नान में महामंडलेश्वर रथ पर सवार होकर निकलते हैं, उनके लिए VIP व्यवस्था होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिलहाल राष्ट्रवाद में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है। देखते रहिए जी हिंदुस्तान।